दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल शुभम माइंड जी में। दोस्तों आज हम नदी तंत्र का पार्ट टू आपके बीच लेकर आए हैं। पहले नदी तंत्र में हमने यमुना प्लस स्टोन्स का जो आपका संगम था, या कह सकते हैं कि यमुना नदी तंत्र आपको कंप्लीट कराया था। आज पार्ट टू में हम भागीरथी नदी तंत्र आपको कंप्लीट कराएंगे। उत्तराखंड में अगर नदियों वाले टॉपिक की हम बात करें तो इससे बाहर कोई भी नदी आपको दिखाई नहीं देगी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हम यहाँ पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर संगम है और क्या कुछ इसकी विशेषता है, सब कुछ आपको कराते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भागीरथी नदी तंत्र की। अगर हम बात करें भागीरथी नदी तंत्र के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि निकलती कहाँ से। ठीक है, निकलने की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर अगर मैं बात करूँ, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसके अगर मैं क्षेत्रफल की मैं बात करूँ 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर ही चौड़ा है राज्य का, या कह सकते हैं कि गढ़वाल का सबसे बड़ा नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र की हम बात करें या कह सकते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आता, गंगोत्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ से नदी निकलती है आपकी भागीरथी, और इसी के पास, इसी गंगोत्री बेसिन में ही एक नदी आएगी आपकी आकाश गंगा। ऐसा करके एक छोटी सी यहाँ पर कह सकते हैं नदी इसमें मिलेगी, ये आपकी मिलेगी गंगोत्री परिसर में। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री का जो बेसिन है, आसपास का जो क्षेत्र है उसी में ये मिलती है। ठीक है, तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है कि पहले मिलने वाली जो नदी कौन सी है, आकाश गंगा, कहाँ पर मिलती है, गंगोत्री में मिलती है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से मात्र 3 किलोमीटर नीचे। गंगोत्री ग्लेशियर से मात्र 3 किलोमीटर नीचे आपकी गंगा मिलेगी, कौन सी, आकाश गंगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी होती है जाड़ गंगा, जाड़ गंगा से जाह्नवी भी कहा जाता है। ये जो जाड़ गंगा है ये पहली सहायक नदी है किसकी, आपकी गंगोत्री की, या कह सकते हैं किसकी, भागीरथी की। ठीक है, मिलती कहाँ पर है आपकी जाड़ गंगा, कोई बताएगा जाड़ गंगा कहाँ पर मिलती है? ये मिलेगी आपकी भैरव घाटी में। कहाँ पर मिलेगी, भैरव घाटी। भैरव घाटी का उपनाम पता है किसी को, भैरव घाटी का उपनाम लंका, लंका नामक स्थान है भैरव घाटी, ये दोनों पास में पड़ते हैं तो ध्यान देंगे। भैरव घाटी या लंका नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है आपकी, जाड़ गंगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, जाह्नवी। ठीक है, उसके बाद केदार ताल, उत्तरकाशी के केदार ताल से एक नदी निकलेगी केदार गंगा, कौन सी निकलेगी, केदार गंगा, और ये आपका मिलेगी किसमें जाके, आपका भागीरथी में, तो ये भी सारी नदी आपकी होगी। चलिए, उसके बाद आपका डोंडी ताल की अगर मैं बात करूं, जो कहां पर है आपका, उत्तरकाशी में, इस डोंडी ताल से आपका सिया गंगा निकलती है। ठीक है जी, और सिया गंगा जो कि जाकर मिलेगी कहां पर, स्थान पड़ता है झाला, उत्तरकाशी में झाला स्थान पड़ता है, वहां पर जाकर ये मिलेगी, ये आपको ध्यान देना। वही झाला के आसपास एक और सहायक नदी आपकी होगी इंद्रावती, ये छोटी सहायक नदी है, ये भी आपकी झाला के आसपास ही जाकर मिल जाएगी, किससे, भागीरथी से। चलिए, इस डोंडी ताल के जो आपका जो पश्चिमी इसका जो छोर है, इससे नदी निकलती है असी गंगा, आपने नाम सुना होगा असी गंगा। तो ये जो आपकी असी गंगा है, ये आपका स्थान पड़ेगा, झाला हो गया ना, गंगोरी, देखो गंगोत्री अलग है, गंगोरी अलग है, तो ये आपकी गंगोरी में जाकर मिलेगी, कौन सी आपकी, असी गंगा, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो कि गंगोत्री के आसपास मिलती है। गंगोत्री से लगभग 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसका ढलान, यानी कि गंगोत्री से लेकर 30 किलोमीटर जो लंबाई है भागीरथी की, उसके दौरान ही एक छोटी छोटी नदियां मिलती है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए, अब चलते हैं जरा मिथुन गंगा के पास, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है मिथुन गंगा। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है आपकी, भागीरथी की। एक होगी आपकी वरुणी, बहुत इंपॉर्टेंट है वरुणी गंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और अगर क्वेश्चन आया कि वरुणी नदी मिलती कहां पर है या वरुणी गंगा कहां पर मिलती है, तो आपको ध्यान देना है बेल्डी, बेल्डी नामक स्थान पड़ता है उत्तरकाशी में, ये वहां पर इसका संगम होता है। ठीक है, खीर गंगा, ठीक है, खीर गंगा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खीर क्या में खाते हैं, थाली में, तो कहां पर मिलेगी आपकी, थराली नामक स्थान पे। ठीक है,
बाकी जल्दी, एक जल्दी नदी है आपको ध्यान देना है, जल्दी आपने पढ़ा हुआ जल्दी नदी संगम, तो ध्यान रखना जल्दी किसे बुलाया गया था, हर्षिल जल्दी आ गया था, तो कहाँ पर मिलेगी आपकी हर्षिल, और हर्षिल कहाँ पड़ता है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए। तो ये कुछ नदियाँ थी उत्तरकाशी की जो हमने पढ़ी, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ये तो अभी आपकी जो जाड़ गंगा है जिसका जानवी नाम है, ये तो अभी आपका एक एग्जाम हुआ था सचिवालय सुरक्षा गार्ड का, यही पूछ ली गई थी, और एक बार ही क्वेश्चन आपका बना था अगर आपके याद हो सिंचवाल का, वहां पर लंका नामक शहर पूछा गया था कि किस नदी के तट पर है, तो कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा, अब हम बात करेंगे जरा एक महत्वपूर्ण, देखिए उत्तरकाशी का जो क्षेत्र था इसे नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यानी कि अब जो हमारी भागीरथी नदी है वो उत्तरकाशी से नीचे एंट्री करेगी, यानी कि टिहरी में एंट्री करेगी, तो बात करेंगे टिहरी में कौन कौन सी मिलती है, तो देखते हैं जरा, एक आपकी धर्म गंगा आपने सुनी होगी जो कि निकलती है सहस्त्रताल से, सहस्त्रताल से, एक आपने सुनी होगी दूध गंगा जो निकलती है मासरताल से, तो कैसे याद करोगे, धर्म बचाना है किसके शस्त्र के आधार पर, जो आपके शस्त्र हैं उसके आधार पे आपको धर्म बचाना है, वहीं पर दूध गंगा की हम बात करें, दूध माँ का दूध बहुत अच्छा बताया गया है, तो दूध गंगा कहाँ से निकलती है मासरताल से, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि युग तिरपलसी का जब मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन लेके चलता है, और हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उत्तराखंड का, जिसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, आई मीन जो आपके पास अन्य सोर्सेज हैं जैसे बुक हुई या आपका जो आपके जो नोट्स हुए और जो भी आपका कंटेंट है वो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पढ़ना पड़ेगा शुभम सर के यानी मेरे द्वारा उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, नंबर आप सभी के सामने 90 84 23 81, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण उत्तराखंड पढ़ाया है, उत्तराखंड का इतिहास भूगोल ज्योग्राफी नागरिक टोटल कुछ भी नहीं बचेगा, अत्यंत भी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। चलिए हम बात करें थे धर्म गंगा के बारे में, दूध गंगा के बारे में, एक आपने पढ़ी होगी बाल किलिया जिसे कहा जाता है क्या बाण गंगा, तो ये बाण दूध धर्म तीनों का जो संगम होगा ना ये कहाँ पर होता है बच्चे याद रखना, बूढ़ा केदार, तीनों पड़ता है बूढ़ा केदार स्थान, वहां पर संगम होगा दूध गंगा और आपका सॉरी दूध गंगा धर्म गंगा और बाण गंगा, बाण गंगा का ध्यान रखना है बाल किलिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक आपने नदी पड़ी होगी भिलंगना, भिलंगना जिसकी लंबाई 110 किलोमीटर, ठीक है जी, ये भिलंगना यहाँ से निकलेगी और ये कहाँ से निकलती है भिलंगताल से, भिलंगताल कहाँ पर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, तो भिलंगताल के बाद इसे की एक छोटी सी सहयोगी नदी है कौन सी अटागाड़, अटागाड़ कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन आ जाए अटागाड़ कहाँ से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए, अटागाड़ जो आपकी नदी है वो आपकी बताओ कहाँ से निकलती है याद, अटागाड़, अटागाड़ निकलती है आपकी दूधा टोली से, बिल्कुल सही बात। चलिए तो दूधा टोली ध्यान रखेंगे यहाँ से निकलती है अटागाड़, किस आई नदी आपकी भिलंगना की, चलिए तो भिलंगना और आपका किसका बाल गंगा का संगम कहाँ पर होगा बच्चा सिंदूली, स्थान क्या है सिंदूर, देखो सिंदूर कहाँ लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं आपका बाल में, तो बाल गंगा इसलिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मात्र 2 से 3 मिनट की और क्लास है, बने रहना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जरा हम थोड़ा सा उससे नीचे, और उसके बाद ये जो आपकी भिलंगना नदी है, भिलंगना नदी आपका पुराना टिहरी आपने पढ़ा होगा, टिहरी जिसे बोलते हैं गणेश प्रयाग, यहाँ पर जाकर मिल जाएगी जिससे आपका भागीरथी से। चलिए उसके बाद एक चमोली के संतोपद ग्लेशियर से निकलती है कौन सी आपकी अलकनंदा, ये जो आपकी अलकनंदा नदी है ये आपकी कहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम बताओ, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है देव प्रयाग में, यानी कि हम टिहरी में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टिहरी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी भागीरथी नदी है वो टिहरी के बाद पौड़ी में एंट्री कर जाएगी, ठीक है। पौड़ी की 2-3 नदियाँ हैं वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर अटागाड़ कहाँ से निकली थी आपकी दूधा टोली के पठार से, ठीक है। तो एक तो ये निकल गया आपकी अटागाड़, दूसरी साइड आपकी निकलेगी कौन सी पूर्वी न्यार, और इसकी साइड निकलेगी कौन सी आपकी पश्चिमी न्यार, ठीक है। तो पूर्वी पश्चिमी न्यार जो कि मिलेगी कहां पर आपका सतपुली में, ध्यान देना है आपको पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार का संगम कहां पर होगा सतपुली,
ठीक है, सतपुली कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो पौड़ी में संगम होगा और उसके बाद नियार नाम से ये आपकी जाकर मिलेगी कहाँ पर, किससे मिलेगी जाकर? भागीरथी से, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ इसे बोलते हैं फूल चट्टी, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो पहले हमने जितनी मिली उत्तरकाशी की वो पढ़ी, देखिए जो भी पढ़ा जा रहा है आपको मैप के थ्रू, ताकि आपकी याद रहे। अब तक उत्तरकाशी की मिली, फिर हमने टीवी में घूमे, अब हम पौड़ी में घूम रहे हैं, हम पौड़ी से नीचे जाएंगे देहरादून में। आपने पढ़ा होगा चंद्र बदनी ताल, एक आपने पढ़ा होगा चंद्र बदी ताल। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? चंद्र बदी ताल की बात करेंगे, जहां से निकलती है कौन सी? भिलंगना, सॉरी चंद्रभागा। कौन सी नदी निकलेगी यहां से? चंद्रबदी से चंद्रभागा, जो कि आपके ऋषिकेश में जाकर किससे मिल जाएगी? आपके गंगा से। अब आपको कहेगी गंगा कहां से आई, क्वेश्चन आपको कहेगा क्या सर अभी तो आप भगीरथी पढ़ा रहे थे, अभी आप गंगा कहां से आ गई? तो मैं आपको बताऊं, देव प्रयाग के बाद इस पंच प्रयाग, ये जो अंतिम प्रयाग है, इसके बाद भगीरथी का नाम क्या बन जाता है? गंगा बन जाता है। इसलिए हमने क्या कहा कि चंद्रभागा का संगम किससे होता है? आपका गंगा से, ना कि आपका भगीरथी से, ठीक है। दो चीज आपको ध्यान देनी, ये जो यहाँ पर आपको अलकनंदा पढ़ाई थी ना, इसे बहु कहा जाता है, और ये जो आपकी उत्तरकाशी से भगीरथी बह के आ गई ना, इसे कहा जाता है सास। तो सास दो का संगम भी कहाँ पर होगा? आपका देव प्रयाग, पंच प्रयाग में अंतिम प्रयाग, अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने बात चंद्रभागा पढ़ी, अब आपका पढ़ लेते हैं धूलगाड़, जो कि आपका देहरादून में मिलती है। उसके बाद आपकी सोंग, सिसवा और बाल्दी, सोंग, सिसवा और बाल्दी तीन महत्वपूर्ण नदी है, तीनों कहाँ पर मिलेगी? ये किसकी सहायक नदी है? सिसवा की। देखिए सिसवा की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोंग, और सोंग की कौन सी है? बाल्दी। कहाँ पर मिलेगी? रायवाला। रायवाला कहाँ पर पड़ता है बच्चा? देहरादून में, ठीक है। अब हम देहरादून को क्रॉस करके आएंगे हरिद्वार में। हरिद्वार में दो महत्वपूर्ण नदी है, दो की तीन, वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहली आपको ध्यान देनी है लंढोर नदी, लंढोर नदी जो कि देहरादून में मिलती है, किससे? गंगा से। लंढोर नदी का संगम किसके साइड मिलती है? लंढोर नदी गंगा की। कहाँ पर मिलती है? देहरादून में, किससे? गंगा से। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सोलानी, किसी सहायक नदी है? गंगा की। कहाँ पे? हरिद्वार में। और लास्ट सहायक नदी किसकी? आपकी भगीरथी की, वो होगी रतमोह, ठीक है जी। रतमोह कहाँ पर मिलेगी? आपका हरिद्वार में। उसके बाद चंदक या चंदपुरी, चंदक चंदपुरी इस नामक स्थान से ये आपकी जो गंगा नदी है, ये आपकी राज्य से बाहर हो जाएगी, और यूपी का जो बिजनौर क्षेत्र है वहां पर ये क्या कर जाएगी? आपकी एंट्री कर जाएगी, ठीक है। तो यही था आपका टॉपिक आज का, भगीरथी नदी तंत्र। और अगर बात की जाए, जितने भी टॉपिक्स के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स थे वो आपके सभी क्लियर कराए गए हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कैसे संगम होता है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, जिस वजह से थोड़ा मैप छोटा बना, अब मेरा मन है बड़ा बोर्ड लेने का, आई होप जल्दी एडजस्टमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेगी। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपको अलकनंदा नदी तंत्र, जो कि आपको एक दो दिन मिल जाएगी। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर करना है, और जितने भी आपके मित्रगण हैं जो कि अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा कंप्लीट कराया जाता है, जिसमें हम संपूर्ण उत्तराखंड कंप्लीट कराते हैं, संपूर्ण हिंदी, यानी कि उत्तराखंड हिंदी आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जाती है उसमें। और सबसे ज़्यादा जो उसमें बेस्ट है वो है आपकी जीएस के लिए, आपको जो हमारी क्लासेज के द्वारा जो हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो कॉल कर सकते हैं आप 90 84 23 81 पर, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।